हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एलएसी के हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए शामिल। किसानों के प्रदर्शन पर पीएम मोदी बोले, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, नए विधेयक से किसानों को सुरक्षा मिलेगी, एमएसपी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने बिल के विरोध पर विपक्ष को घेरा, बोले विपक्षी पार्टियों के एजेंडे में भी था बिल, लेकिन एनडीए सरकार बिल लाई तो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, नए बिल से मोदी सरकार अपने मित्रों का व्यापार बढ़ाएगी, मोदी सरकार से किसानों का विश्वास उठा। कृषि बिल को लेकर किसानों के प्रदर्शन पर बोले नवजोत सिंह सिद्धू, कहा पूरा पंजाब किसानों के साथ है, हमारे अस्तित्व पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। कृषि बिल विवाद पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा बिल के पास होने से एमएसपी खत्म नहीं होगी, सरकार वही काम करेगी जिसमें किसानों को फायदा होगा। कृषि बिल के विरोध में तेजस्वी का सरकार पर हमला, बोले ये किसान विरोधी बिल है जिसे सरकार किसानों पर थोपना चाहती है, इससे किसानों को नुकसान होगा। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय झा का दावा, कहा लोकसभा से पारित कृषि संबंधित विधेयक 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी थे। राज्यसभा में भी बीएसपी करेगी कृषि बिल का विरोध, बीएसपी ने कहा बिल के नियमों में खामियां हैं जिससे किसान तबाह हो जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों का सब हिस्सा ले जाएंगी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर साधा निशाना, लिखा खट्टर साहब के साथ चाय समोसा मीटिंग नहीं, किसान मजदूरों के हित में इस्तीफा दीजिए। कृषि बिल पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा अभी पंजाब और हरियाणा में हो रहा है विरोध, जल्दी सड़कों पर उतरेंगे देश भर के किसान। कृषि बिल के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हुआ, पंजाब के किसान मजदूर यूनियन ने 24 से 26 सितंबर के बीच रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया, 25 सितंबर को पंजाब बंद का ऐलान। हरियाणा में भी कृषि बिल से नाराज किसान, 20 सितंबर को किसानों ने रास्ता रोको आंदोलन का ऐलान किया। कृषि बिल के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी, पंजाब के मुक्तसर में किसानों ने धरना दिया, हरियाणा के अंबाला में भी हुआ प्रदर्शन। हरियाणा के झज्जर में कृषि बिल के समर्थन में उतरे किसान, 200 से ज्यादा ट्रैक्टरों में सड़क पर प्रदर्शन किया, लोगों से बिल का समर्थन करने की अपील की। लोकसभा में पास हुए कृषि से जुड़े बिल से नाराज हैं किसान, किसानों का आरोप है कि इस बिल से उद्योगपतियों को मुनाफा होगा और किसानों को नुकसान। कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान ने जहरीली दवाई खाकर आत्महत्या की, पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के गांव की घटना। राज्यसभा से भी पास हुआ सांसदों की सैलरी में कटौती वाला बिल, कोरोना काल में आर्थिक संकट की वजह से सांसदों की 30% सैलरी कटौती होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा पीएम केयर फंड के नाम पर विपक्ष ने सिर्फ झूठ फैलाया, जबकि 1948 में बने पीएम नेशनल रिलीफ फंड का आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कोरोना काल के लॉकडाउन में बीजेपी ने 25 करोड़ खाने के पैकेट बांटे, जबकि विपक्षी दलों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। एमपी में सीएम शिवराज की किसानों को मदद, उज्जैन में फसल बीमा योजना की राशि किसानों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की। एमपी के छिंदवाड़ा में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, फसल नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे, कांग्रेस नेता पर एसडीएम से बदसलूकी का आरोप। एमपी के ग्वालियर में पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा रोड शो, 12 किलोमीटर लंबे रोड शो में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ध्यान। यूपी में नौकरियों को लेकर मचे बवाल के बीच सीएम योगी की बड़ी बैठक, सभी विभागों से खाली पदों के बारे में ब्यौरा मांगा, भर्ती आयोग से भी बैठक करेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में 5 साल संविदा कानून और 50 साल में रिटायर्ड किए जाने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है। यूपी में बेरोजगारी को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच योगी सरकार ने 2017 से अब तक की भर्तियों के आंकड़े जारी किए, आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2,94,080 पदों पर भर्तियां हो चुकी हैं, 86,629 पदों के लिए प्रक्रिया जारी है। महाराष्ट्र में बचे बवाल के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया, दिल्ली से सटे नोएडा में बनेगी नई फिल्म सिटी।
उत्तराखंड में सरकार के 3.5 साल पूरे होने पर बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, हमने 80% वादे पूरे किए। हमारी सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का रवैया है। पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर तोड़ा सीज फायर, जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में दागे मोर्टार के गोले, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। बिहार के सहरसा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बोले, एनडीए पूरी तौर पर एक है, चुनाव की घोषणा के बाद सीटों के बंटवारे पर सब तय हो जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, एनडीए सभी सीटों पर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान से जुड़े सवाल पर बोले, सीट बंटवारे में कोई भूमिका नहीं। बिहार में चुनाव से पहले एनडीए में तकरार जारी, जेडीयू एमएलसी गुलाम गोसा का चिराग पर तीखा हमला, कहा चिराग पासवान अभी अपरिपक्व हैं। बिहार को चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दिया एक और तोहफा, पीएम ने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया, 86 साल बाद कोसी के दोनों किनारे जुड़ेंगे। बिहार चुनाव में राजनीति के रंग में रंगा फेस मास्क, राजनीतिक दल मास्क को प्रचार सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करने में जुटे हैं। बिहार में पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के निर्देश पर विपक्ष हुआ हमलावर, पुलिस मुख्यालय ने सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बिहार के कैमूर में ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, गांव में कई साल से नाले का पानी भरने की समस्या थी, ग्रामीणों ने कहा समस्या का समाधान नहीं तो वोट नहीं देंगे। नोएडा में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों और पुलिस के बीच हुई तीखी झड़प, पुलिस कर्मियों ने सफाई कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यूपी में मेरठ एक्सप्रेसवे पर महिला किसानों का धरना, एक्सप्रेसवे पर टेंट लगाकर खाना बनाया, मुआवजे की मांग पर जारी है प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, बिगड़ी कानून व्यवस्था और महिलाओं पर अपराध के आरोप में विरोध जताया। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर परिसर के 200 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगी, देवस्थानम बोर्ड ने जारी किया आदेश। झारखंड के रांची में बड़ा बवाल, नौकरी पक्की करने की मांग कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस की झड़प, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। जम्मू कश्मीर में नशे का जाल फैलाने की साजिश नाकाम, बारामूला में पुलिस ने करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद की, 4 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बच्चे के अपहरण के बाद बवाल, गुस्साई भीड़ ने अपहरण के आरोपी के घर में तोड़फोड़ की, हंगामा किया, भारी पुलिस बल तैनात। पीएमसी बैंक घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, ईडी ने 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की, वाधवान बंधुओं ने किया था निवेश। दिल्ली दंगों की चार्जशीट पर पूर्व आईपीएस अधिकारी आमने सामने, जूलियो रिबेरो के पत्र के जवाब में 26 पूर्व आईपीएस अफसरों ने लिखा सार्वजनिक पत्र, पूछा भारत विरोधी अभिव्यक्ति और सांप्रदायिकता का समर्थन कैसे कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की ईडी हिरासत आज खत्म हो रही है, विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने पंजाब में अवैध शराब घोटाले की जांच जालंधर से दिल्ली ट्रांसफर की, पंजाब में जहरीली शराब से 125 मौत के बाद जालंधर में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। यूपी में देवरिया के जिला पंचायत अध्यक्ष राम प्रवेश यादव की 16 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई, यादव पर दीपक मणि नाम के युवक का अपहरण कर उसकी 10 करोड़ की जमीन हथियाने का आरोप है। यूपी के कन्नौज में सिपाही की क्रूरता का वीडियो सामने आया, दिव्यांग ई रिक्शा चालक को पत्नी और मासूम बच्चे के सामने पीट कर लहूलुहान किया, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर जांच की जा रही है। लखनऊ के मलियाबाद में एक युवक की निर्मम हत्या, हत्यारों ने सिर को धड़ से अलग कर फेंका, पुलिस ने नहर से सिरकटी लाश बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, हत्यारों की तलाश में जुटी। मुजफ्फरनगर के मृतक दवा व्यवसायी के घर पहुंचे यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पुलिस अधिकारियों को दिए जल्द अपराधियों को पकड़ने के आदेश, गुरुवार को हुई थी व्यापारी की हत्या। दिल्ली पुलिस ने फर्जी अश्लील फेसबुक प्रोफाइल बनाकर एक महिला और उसके परिवार को परेशान करने के आरोप में नौकरानी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। यूपी के शामली में राशन डीलर के घर लूट के इरादे से घुसे 3 बदमाशों को बुजुर्ग दंपत्ति के हौसले ने किया पस्त।
मौके से बदमाश फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के प्रयागराज में एक सनकी शख्स की करतूत, शराब पीने से मना करने पर पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काटा। पत्नी और 7 साल के बेटे की मौत हो गई, 10 साल के बेटे की हालत गंभीर। मुंबई से सटे वसई में बिना मास्क लगाए युवक को पेट्रोल देने से मना करने पर युवक के दोस्तों ने पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ की और कर्मचारियों को पीटा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। पंजाब एवं महाराष्ट्र बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ के 3 होटलों को जब्त किया। मालिकों में घोटाले का मुख्य आरोपी राकेश वधावन का नाम शामिल है। बाटला हाउस एनकाउंटर पर दिल्ली पुलिस के तत्कालीन संयुक्त आयुक्त करनाल सिंह ने लिखी किताब। कहा, तथ्यों को जाने बिना अफवाह फैलाने से दुख हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब एनकाउंटर को सही ठहराया तो सुकून महसूस हुआ। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प हो गई। इस झड़प में 2 लोगों की जान चली गई। सुशांत मामले में ड्रग्स एंगल से जांच कर रही एनसीबी की टीम ने एक और ड्रग पेडलर राहिल विश्राम को गिरफ्तार किया। 928 ग्राम चरस और 4,36,000 रुपए बरामद किए। आज होगी कोर्ट में पेशी। बॉम्बे हाईकोर्ट से ड्रग्स केस में गिरफ्तार अब्दुल बासित परिहार, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को नहीं मिली जमानत। तीनों की जमानत अर्जी 29 सितंबर तक के लिए स्थगित। सुशांत और रिया का एक और वीडियो सामने आया। इसमें सुशांत व्हाइट बोर्ड पर लिखते नजर आ रहे हैं और काफी खुश हैं। चेन्नई में देर रात जोरदार बारिश के बाद बदला मौसम, आज भी कई इलाकों में बारिश होने की चेतावनी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। बिहार के किशनगंज में उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हुआ पुल, 1,42,00,000 की लागत से बना था पुल। बिहार के किशनगंज में कनकई नदी की धारा बदलने से कई गांवों में घुसा पानी, लोगों का प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 52,00,000 के पार, 24 घंटे में 96,424 नए मरीज, 1,174 लोगों की मौत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को देखते हुए केजरीवाल सरकार का फैसला, दिल्ली में 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत सरकार ने बदले कोरोना के नियम, अब राज्य में 3-4 दिन के लिए आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। कोरोना काल में भी जमकर हो रही है धांधलेबाजी, यूपी के प्रयागराज में नकली ऑक्सीमीटर बेचने के गोरखधंधे का भंडाफोड़। दिल्ली के अस्पताल पर महिला का शव बदलने का आरोप, शव के अंतिम संस्कार के बाद हुआ खुलासा, अस्पताल पर एफआईआर दर्ज। हरियाणा के गृह मंत्री विज की भतीजी कोरोना संक्रमित हुई, विज ने खुद ही घर के बाहर लगवाया क्वारंटीन का पोस्टर। भारतीय रेलवे की 21 सितंबर से चलने वाली 40 नई स्पेशल क्लोन ट्रेनों के लिए आज से शुरू होगी बुकिंग। यूपी में योगी सरकार ने बदला वाराणसी के मडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम, अब बनारस के नाम से जाना जाएगा मडुआडी स्टेशन। एमपी के डिंडोरी में 5 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रक चालक का रेस्क्यू किया गया, बेकाबू होकर गड्ढे में पलट गया था सरियों से लदा ट्रक। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बना सुशांत का मोम का पुतला, सुशांत के फैन ने पुतला बनाकर म्यूजियम में रखा, यहाँ अमिताभ, विराट कोहली जैसे अन्य लोगों के भी पुतले रखे हैं। चीन भारत तनाव के बीच असम के एक व्यापारी समूह ने लिया बड़ा फैसला, नहीं बेचेंगे चीन में बने सामान। बिहार की राजधानी पटना में करीब 200 साल पुरानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस और आवश्यक सेवाओं के लिए 31 मार्च तक खरीदी गई BS4 डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी। दिल्ली में BS4 डीजल गाड़ियों की बिक्री पर कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से गुजरात के सूरत से 6 सदस्यों की टीम भारत भ्रमण पर रवाना, टीम 36 दिन में 18,000 किलोमीटर की यात्रा करेगी। भारत ने भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिए जाने के मामले को पाकिस्तान के सामने जोरदार तरीके से उठाया, तत्काल काउंसलर एक्सेस की मांग की, पाकिस्तान ने 10 नामों के साथ 56 मछुआरों को पकड़ा है।
चीन की आर्थिक ताकत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी चोट। अमेरिका में टिकटॉक और वीचैट को डाउनलोड करने पर लगी रोक, जासूसी का आरोप। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग के बीच एक दमकल कर्मी की मौत हो गई। बताया गया कि आग बुझाने के दौरान हुआ यह हादसा। पूरी दुनिया में कोरोना के केस बढ़कर 3,05,88,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 9,50,000 को पार कर चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी, अभी दूर दूर तक कोरोना महामारी से मुक्ति के आसार नहीं। कोरोना के केस दुनिया भर में फिर बढ़ने लगे हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते केस के बाद इजराइल में फिर लगा लॉकडाउन, कई ऑफिस बंद रहेंगे, भीड़ लगाने पर पाबंदी। आज से आईपीएल का आगाज होने वाला है। आज शाम 7:30 बजे धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस से होगा। आज धोनी की बैटिंग पर पूरे देश की नजर रहेगी। माही 1.5 साल बाद मैदान पर वापसी कर रहे हैं। 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में वो आखिरी बार मैदान पर उतरे थे।